और घोड़ा जमीन पर धराशायी हुआ और बॉग घोड़े से गिरकर जमीन पर उठने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच में मंगल पांडे ने क्या किया, उनकी जो राइफल थी उसमें एक संगीन लगी हुई थी, वो संगीन को लेके दौड़े और बाघ के छाती में उन्होंने सीधे वो संगीन उतार दी और उसके बाद खून का फव्वारा छूटा और बाघ 4 से 5 मिनट में तड़पकर वहीं मर गया। बहुत सारे भारतीय सैनिक ये दृश्य देख रहे थे और उनके मन में भी कुछ न कुछ करने का गुस्सा और जज्बा पल रहा था। उसी समय मंगल पांडे ने सभी क्रांतिकारी भारतीय सैनिकों को ललकारते हुए कहा कि इन अंग्रेजों ने हमारा धर्म भ्रष्ट किया है, इन अंग्रेजों ने हमारा देश हमसे छीन लिया है, इन अंग्रेजों ने हमारी आज़ादी हमसे छीन ली है, इन अंग्रेजों ने हमारी स्वतंत्रता का हरण किया है, इन अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति का नाश किया है, इन अंग्रेजों ने भारत की लूट की है। इस तरह का एक लंबा सा भाषण लगभग 15 से 20 मिनट का अमर शहीद मंगल पांडे ने दिया। भारतीय सैनिकों में थोड़ा सा क्रोध पैदा हुआ, लेकिन उसी समय अंग्रेजों के एक बड़े अधिकारी को इसकी जानकारी हो गई कि मेजर जनरल ह्यूसन और उसके बाद लेफ्टिनेंट वॉग ये दोनों मारे जा चुके हैं और अमर शहीद मंगल पांडे ने गोली चलाई है। तो अंग्रेजों की एक बड़ी फौज आई और उस बड़ी फौज ने मंगल पांडे को पकड़ने के लिए प्रयास शुरू किया। मंगल पांडे ने अपनी राइफल का कारतूस भरने का जो समय था वो समय का इस्तेमाल ना करते हुए राइफल में आगे जो संगीन निकली रहती है, जो तलवार की धार की तरह से काम करती है, उसका सदुपयोग करना शुरू किया और उस राइफल को तलवार की तरह से चलाते हुए उन्होंने कई अंग्रेज सैनिकों के गले काटे, कई अंग्रेज सैनिकों को घायल कर दिया। अंत में मंगल पांडे पकड़ लिए गए, अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उनका कोर्ट मार्शल हुआ और कोर्ट मार्शल करीब 10 दिन तक चला। 10वें दिन उनको फांसी की सजा सुना दी गई और 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर की छावनी में अमर शहीद मंगल पांडे को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। समस्या ये हुई थी उस समय कि मंगल पांडे को फांसी देने के लिए कोई तैयार नहीं था। फांसी की घोषणा हो चुकी थी लेकिन उनको फांसी देने के लिए कोई तैयार नहीं था। जितने भी जल्लाद अंग्रेजों की सेना में उस समय नौकरी करते थे बैरकपुर की छावनी में, सबने मना कर दिया कि हम मंगल पांडे को फांसी पर नहीं चढ़ाएंगे। तो अंग्रेजों के सामने समस्या ये खड़ी हुई कि फांसी की सजा तो होनी है, अब जल्लाद कोई तैयार नहीं है तो क्या किया जाए। तो अंग्रेजों ने कलकत्ता से फिर कुछ दूसरे जल्लादों को मंगवाया। उन जल्लादों को बहुत ज़्यादा पैसे का लालच दिया गया और ना सिर्फ पैसे का लालच दिया गया बल्कि उनको बहुत ज़्यादा बड़ी तरक्की मिल जाएगी सेना में, फौज में, उनके बच्चों को जिंदगी भर के लिए फौज में नौकरी मिलेगी और पेंशन की व्यवस्था की जाएगी उनके लिए। ऐसे लालच के साथ 4 जल्लाद कलकत्ता से बुलाए गए। उन जल्लादों ने 8 अप्रैल 1857 को अमर शहीद मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ाया। ये दृश्य जब भारतीय सैनिकों ने देखा कि मंगल पांडे का कोई कसूर नहीं था, फिर भी अंग्रेजों ने उनको फांसी पर चढ़ा दिया। उन्होंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा था कि क्या कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती है। इस सीधे सवाल का जवाब ना देकर अंग्रेजों ने झूठ मूठ में कोर्ट मार्शल करके मंगल पांडे को फांसी दे दी है। तो भारत के सैनिक जो उस छावनी में रहते थे उनमें बहुत गुस्सा और विद्रोह पैदा हो गया और बहुत अच्छा एक काम उन सैनिकों ने मिलकर कर लिया। करीब 1100 से ज़्यादा भारतीय सैनिकों ने मंगल पांडे की फांसी होने के थोड़ी देर के बाद ही एक संकल्प कर लिया कि अब हम इस गुलामी की नौकरी को छोड़ देंगे, इन अंग्रेजी फौज की नौकरी को हम अब नहीं करेंगे, क्योंकि ना जाने हमारे साथ ऐसा कब क्या हो जाए जो मंगल पांडे के साथ हुआ। तो 1100 से ज़्यादा भारतीय सैनिकों ने नौकरी छोड़ दी। वहाँ से वो जुलूस बनाकर थोड़ी दूर तक पैदल चलकर गए। बैरकपुर में जहाँ पर यह घटना घटित हुई थी उससे थोड़ी दूर पर गंगा नदी बहती है,
ये गंगा नदी के बारे में आप सभी जानते हैं, इनका उद्गम स्थान गंगा नदी का गंगोत्री है, लेकिन अंतिम स्थान गंगा सागर है। गंगा सागर से पहले कलकत्ता पड़ता है, कलकत्ता के नजदीक में बैरकपुर है। तो बैरकपुर छावनी से ये 1100 सैनिक निकले और जुलूस की शक्ल में अंग्रेजी सेना की जो वर्दी उनको मिली थी वो उन्होंने फाड़ के फेंक दी। उनको जो टोपियां दी गई थी वो टोपियां उतार के उन्होंने फेंक दी। उनको छाती पर लगाने के लिए बैज मिलते थे अंग्रेजों की सेना में, वो बैज उन्होंने नोच कर फेंक दिए। अपनी साधारण भारतीय पोशाकों में वो तैयार होकर गंगा नदी के किनारे गए और सभी ने गंगा जल अपनी अंजुली में भरा और अंजुली में गंगा जल भर के उन्होंने एक संकल्प किया कि जिन अंग्रेजों ने भारत की गाय को काटा है, जिन अंग्रेजों ने भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच में वैमनस्य बढ़ाया है, जिन अंग्रेजों ने आजादी को भारत का समाप्त कर दिया है, सभ्यता संस्कृति का नाश किया है, इन अंग्रेजों को अब हम भारत में रहने नहीं देंगे और इन अंग्रेजों को भारत से भगाकर ही दम लेंगे। बस यहीं से क्रांति की शुरुआत हो गई। ये जो 1100 सैनिक थे इन्होंने चार चार पांच पांच सैनिकों के समूह बनाए और पूरे देश में इन्होंने उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फैल जाने का फैसला किया और ये समूह पूरे देश में फैल गए। इन समूहों में जो सैनिक थे, इन सैनिकों का भविष्य जो है कोई बहुत निश्चित नहीं था, लेकिन देशभक्ति का ज्वार उनमें इतना तीव्र था कि उन्होंने अपने भविष्य की परवाह न करते हुए, अपने परिवार और बीबी बच्चों की परवाह न करते हुए गांव-गांव जाना शुरू किया और अंग्रेजों के खिलाफ जो कुछ उन्होंने फौज में देखा था वो गांव में जाकर सुनाना शुरू किया। अंग्रेज कैसे गाय काटते हैं और गाय का मांस किस तरह से खाया जाता है, अंग्रेज कैसे सुअर काटते हैं और सुअरों का मांस किस तरह से खाते हैं, फिर किस तरह से भारतीय सैनिकों का अपमान करते हैं, भारतीय धर्म और संस्कृति का कैसे मजाक उड़ाते हैं, भारत के लोगों की जो मान्यताएं हैं उन पर कैसे फिक्रे कसते हैं, ये सब बातें इन सैनिक समूहों ने गांव-गांव जाकर कहना जब शुरू किया तो धीरे धीरे गांव में ऐसा माहौल बनने लगा, शहरों में ऐसा माहौल बनने लगा कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई बड़ी बगावत हो जाए। एक तरफ ये सैनिक थे जो सेना की नौकरी छोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ गांव-गांव घूम रहे थे, दूसरी तरफ हमारे इस देश के एक महान तपस्वी संत परम पूजनीय महर्षि दयानंद थे जिन्होंने भारत के साधारण से लोगों के बीच में जाकर अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा माहौल बनाना उस समय शुरू किया हुआ था। ये जो सैनिक थे जो सेना छोड़कर भारत में आजादी की लड़ाई के लिए लग गए थे, ये पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में ज्यादा घूम रहे थे। परम पूजनीय महर्षि दयानंद और उनके जो सहयोगी थे वो उत्तर भारत में काफी बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। उनके बहुत सारे साधु संत सन्यासी फकीर इस पूरे उत्तर भारत में गांव-गांव घूमकर अंग्रेजों के खिलाफ माहौल बनाने में और अंग्रेजों के खिलाफ कोई संगठन खड़ा करने में लगे हुए थे। दोनों का संगम हो गया, सेना में काम करने वाले भारतीय सैनिक और समाज में काम करने वाले परम पूजनीय महर्षि दयानंद के तैयार किए हुए सैनिक, ये दोनों जब मिले तो इसमें से विस्फोट हो गया और ये विस्फोट हुआ इसी मेरठ की पवित्र भूमि पर जहां हम बैठे हैं। जब उत्तर भारत के महर्षि दयानंद सरस्वती के सहयोगी और उनके शिक्षित और दीक्षित शिष्यों ने और दक्षिण भारत पूर्वी भारत से आए हुए इन सैनिकों ने एक दूसरे के संवादों से, एक दूसरे की बातों से मन में जब बड़े संकल्प कर लिए तो उस संकल्प का पहला प्रादुर्भाव इस मेरठ की भूमि पर हुआ 10 मई 1857 को। हुआ क्या था मेरठ में, एक घटना घटित हुई थी। आप जानते हैं बैरकपुर जैसे बड़ी छावनी थी वैसे ही मेरठ भी अंग्रेजों की सबसे बड़ी छावनी थी उत्तर भारत में। उत्तर भारत में अंग्रेजों की दो ही सबसे बड़ी छावनियां हुआ करती थी, एक तो अंबाला जिसको आज अंबाला कैंट कहा जाता है और दूसरा था ये मेरठ। ये मेरठ कैंट का पूरा इलाका अंग्रेजों की छावनी का इलाका था। इस अंग्रेजी छावनी में 6 मई 1857 को
बहुत सारे भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजी अधिकारियों को कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया।